वड़ा पाव है, भजी है, बटाटे का मूंग दाल भजी है, पाव है, मेन चटनी है। खास करके चटनी पसंद होता है, कोई चटनी बना नहीं पा रहा है, मेन कारण यही है। बहुत जन ट्राई किए लेकिन किसी के धंधे पे जम नहीं रहे चटनी बनाना। हम इतना ज्यादा जब से ले रहे थे। नहीं, टेस्टी क्या लगता है आप सबको? दोनों टेस्टी रहते हैं, आलू भी और मूंग भजिया भी। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? शंभू यादव। ये दुकान कम से कम 50 साल के ऊपर ही है। जो हमारे सेठ हैं वो बड़े सेठ थे, हमारे पिताजी के बड़े, उन्होंने किया था, अभी वो उनके लड़के चला रहे हैं। जैसे इसकी चटनी जो है ये लोगों को बहुत पसंद है, चटनी और ये बटाटा का भजिया मूंग दाल, ये लोगों को बहुत पसंद आता है, खास करके चटनी पसंद होता है। चटनी में क्या है, उसमें तीखा मीठा खट्टा सब मिला करके बनता है। उसमें ये नहीं है कि चलो तीखा डाल दिया वो है, उसमें तीखा मीठा खट्टा सब मिला करके बनता है करके, वो थोड़ा टेस्ट अलग अलग मतलब लगता है। और क्या क्या बनता है आपके पास? वड़ा पाव है, भजी है, बटाटे का मूंग दाल भजी है, पाव है, बस चटनी सब में आता है, कोई चटनी बना नहीं पा रहा है, मेन कारण यही है। बहुत जन ट्राई किए लेकिन किसी के धंधे पे जम नहीं रहे चटनी बनाना। यहाँ कब से आ रहे हैं? रोज आता है। सबसे क्या अच्छा लगता है? आने वाला
थोड़े गर्म है, बताता हूँ। नहीं अच्छा चलता इधर का, एक नंबर है। हम इतना ज्यादा जब से ले रहे हैं, मेन चटनी है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं ना, जैसे दुकान हुआ, मार्केट हुआ, ऑफिस वाले हुए, सब कॉलेज वाले भी लड़के लोग आते हैं। मेन कारीगर यही है। आप कब से बना रहे हैं भैया? 25 साल से। आप कहते ये रोज है। क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? हमको सबसे अच्छा मूंग भजी लगता है। मुझे भी बटाटा भजी और चटनी यही पसंद है। इसमें आप कितने बार खा लेते हैं? मैं सिर्फ 2 बार खाता हूँ, सुबह और शाम। समय से एक एक प्लेट लगा लीजिए सर। इसका रेट क्या रहता है? इसका यही 19 रुपया 50 ग्राम वजन से है ना। अच्छा, ये 50 ग्राम? हाँ। बढ़िया। इसका भी रेट सेम है दोनों का। गरम बड़ा है, बड़ा पाव 15 रुपये का एक है। 15 रुपये का एक। चटनी नहीं मारे आप? चटनी है। ये चटनी आ गया। एक प्लेट पार्सल है। बड़ा पचास, ये बड़ा पाव 15 का। हाँ, ये 19 रुपये का 50 ग्राम है। चलिए, मुंबई स्पेशल बड़प्पा। इसलिए ये चटनी है, यहाँ दिखने में तीखा लग रहा है लेकिन ये तीखा भी है, मीठा भी है, तो इसका टेस्ट मतलब एक यूनिक टाइप का टेस्ट है।